हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके जेई मेन, बोर्ड्स और नीट एग्जाम में बहुत क्रूशियल है। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म विच इज द पार्ट ऑफ योर चैप्टर कॉल्ड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखिए, ये पर्टिकुलर चैप्टर और कंसेप्ट जेई एडवांस के सिलेबस का सच पार्ट नहीं है और इस कारण से कई बार स्टूडेंट्स इसको बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं, ढंग से इसके कंसेप्ट को कवर करते नहीं है। और ऑफ लेट कई बार एग्जाम्स में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जहां स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है एंड डेफिनेटली फिर मार्क्स लूज करके रैंक भी लूज जेई मेन में करते हैं। साथ ही याद रखिएगा, जेई मेन के साथ साथ नीट एग्जाम में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस टॉपिक पे अपन आए, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो देखिए, क्लास टेंथ में जो अपन ने पढ़ा था और बाकी भी जो अपन ने डे टू डे जो अर्लियर क्लासेस में भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह समझे, जो बातें अपन ने जानी है, वी आर वेरी वेल अवेयर कि अर्थ के सरफेस के हर पॉइंट पे एक नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है। आपने आसपास कोई मैग्नेट नहीं रखा तब भी हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है और वो फील्ड किसने क्रिएट की है, अपन कहते हैं दैट फील्ड इज क्रिएटेड बाय अर्थ। सो दिस अर्थ एक्ट्स एज अ नेचुरल मैग्नेट, ये एक नेचुरल मैग्नेट की तरह या नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरह बर्ताव करती है। अब इसका ये बिहेवियर क्यों है ऐसा, इस पे अलग अलग थ्योरीज हैं जो अपने को नहीं पढ़नी। तो अपने लिए क्लास ट्वेल्थ में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये फील्ड क्रिएट कैसे हुई, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये फील्ड कैसी है, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे, ये अपने लिए क्रूशियल पॉइंट है। तो देखिए, अर्थ के हर पॉइंट पे एक फील्ड है और वो फील्ड बहुत ज्यादा तो नहीं बट फिर भी मेजरेबल है, जिसके इफेक्ट्स अपन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पहले भी फील कर चुके हैं। इस फील्ड को समझने के लिए देखिए अपन अगेन, अब ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जब स्टडी की गई हर पॉइंट पे किस डायरेक्शन में है, कितने मैग्नीट्यूड की है, तो उसको समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया। मॉडल का मतलब आप समझ सकते हैं कि दैट इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग बट टू डिस्क्राइब द फील्ड, ऐसा माना जाता है कि अर्थ के सरफेस पे हर पॉइंट पे जैसी भी मैग्नेटिक फील्ड है या फील्ड लाइंस हैं, वो ऐसा अपने को आभास देती हैं, दे फील लाइक कि यहां पर अर्थ के सेंटर में, अर्थ के सेंटर पे एक बहुत ही छोटा सा बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट जैसा कोई मैग्नेट रखा हुआ है। अगेन इस फिगर पे मत जाइएगा, इस फिगर के डायमेंशन के हिसाब से तो मैग्नेट के डायमेंशन आपको बहुत बड़े लगेंगे बट दिस इज अ वेरी स्मॉल मैग्नेट बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग मैं इसलिए बोलूंगा कि आप देखिए, ये अर्थ के सेंटर पे रखा है और अर्थ के सरफेस का कोई भी पॉइंट सेंटर से लगभग 6400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इतनी दूर भी ये एक मेजरेबल फील्ड क्रिएट कर पा रहा है, इसका क्लियर कट मीनिंग है कि दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो कैलकुलेशंस हैं वो सजेस्ट करती हैं कि ये जो मैग्नेट अपन ने माना है, जो बार मैग्नेट हाइपोथेटिकली अपन ने माना है, अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कोई मैग्नेट है नहीं, इट्स जस्ट अ मॉडल which helps us in explaining or in helping us to visualize how the field of earth is, how the field created by earth is. तो अपन कहते हैं, जो calculations कहती हैं कि ये जो magnet अपन ने यहाँ माना है, इस magnet का जो magnetic moment है, उसका order है 8 into 10 to the power 22 ampere meter square. So 8 into 10 to the power 22 ampere meter square. So it's a very very strong magnet. अब इसको और डिटेल में जानने के लिए देखिए, इस फिगर पे आप गौर कीजिए। देखिए, ये जो अपन ने लाइन यहां ड्रॉ की है, दिस इज द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द अर्थ, वो एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ लगातार घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अर्थ की रोटेशनल एक्सिस, अर्थ के सर्फेस को नदन पार्ट में जिस पॉइंट पे कट करती हुई जाती है, इसको अपन बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, वी कॉल इट एज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और यही एक्सिस जब सदर्न हेमिस्फीयर में यहां जिस पॉइंट को कट करती है सरफेस को, उसको अपन बोलते हैं ज्योग्राफिकल साउथ पोल। सो दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड दिस इज द ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ऐसे ही ये जो हाइपोथेटिकल मैग्नेट अपन ने माना है छोटा सा, अपन कहते हैं ये अर्थ की इस एक्सिस से एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करता, बल्कि इससे थोड़ा सा इसकी एक्सिस टिल्टेड है। और प्रेजेंटली अपन कहते हैं ये टिल्ट लगभग 11.5 डिग्रीज का है। देखिए, ये भी जो मॉडल है, इसको जो कभी आप डिटेल्स कभी पढ़ेंगे तो ये जो एंगल है ये स्टैटिक नहीं होता, ये लगातार चेंज होता रहता है। बट अगेन, ये ऐसे चेंज नहीं होता कि एक दिन में या एक घंटे में चेंज हो रहा है, इट विल टेक मेनी इयर्स टू चेंज बाय अ कंसिडरेबल अमाउंट।
तो अभी अपन प्रेजेंटली मानते हैं कि इनके एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 11 एंड हाफ डिग्रीज। ये जो मैग्नेट की एक्सिस है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये एक्सिस अर्थ को यहां जिस पॉइंट पे कट करती है, अपन उसको नाम देंगे अब जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और सिंपली आप बोल सकते हो मैग्नेटिक नॉर्थ। यू कैन कॉल इट द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ऐसी ये एक्सिस यहां जिधर कट कर रही है, इसको अपन बोलेंगे जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, और ये जो है ये पूरी इस डाइपोल की एक्सिस हुई। तो याद रखिएगा ये दोनों एक्सिस एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रही, सेंटर पॉइंट पे इनके बीच जब अपन इन दोनों लाइंस के बीच एंगल देखते हैं, इट इज रफली 11 एंड हाफ डिग्रीज एट प्रेजेंट। तो अब याद रखिएगा ये जो आपकी लाइन है, ये तो क्या हुई, अर्थ की रोटेशनल एक्सिस, ये इस हाइपोथेटिकल डाइपोल की एक्सिस, ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, ये जियोमैग्नेटिक साउथ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये ज्योग्राफिकल साउथ। इस चैप्टर में जब भी नॉर्थ पोल बोला जाएगा, बाय डिफॉल्ट आप मान के चलिएगा उस नॉर्थ पोल का मतलब ये नहीं होगा, दैट मींस द मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड सिमिलरली द साउथ मींस द मैग्नेटिक साउथ। और इसी तरह से जो नॉर्मल इक्वेटर यहां आपका बनता है वो कहलाएगा आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और इस मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड इसके इक्वेटोरियल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो इक्वेटर बनेगा, इसको अपन बोलेंगे जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। तो अब मैं इक्वेटर भी जब इस चैप्टर में बोलूंगा तो उसका मतलब आप मान के चलेंगे दिस इज द जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर है? तो जस्ट ये एक मॉडल है जिसकी हेल्प से अपन अर्थ की फील्ड कैसी है इसे इजीली विजुअलाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में वी विल डिस्क्राइब कैसे इस फील्ड को अपन और बेटर वे में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज या क्या क्या एलिमेंट्स अपन लेंगे जिससे इस फील्ड को समझा सकेंगे।